हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फोर्थ लेक्चर है हिस्ट्री ऑप्शनल मैथ्स का। और जो लास्ट लेक्चर्स में हमारा जैसे डिस्कशन रहा था, इस लेक्चर में भी वैसा डिस्कशन रहेगा। 10 क्वेश्चंस होंगे और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बिगिन करते हैं। तो ये है हिस्ट्री ऑप्शनल मैप। मैं अगेन आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये मैप मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, थोड़ा लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ा दिए हैं। इस साइड से भी थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, इस साइड से भी थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, तो उससे थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है। तो ये एक डिस्क्लेमर है कि थोड़ी डिफरेंस है ये इस मैप में और यूपीएससी के मैप में। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि पॉइंट्स जो है यूपीएससी मैप में भी बिल्कुल सेम जगह ही होंगे, उसमें कोई इशू नहीं होगा, राइट। और स्केल भी आप देखें तो स्केल भी वही सेम रहेगा। तो ये थोड़ा मतलब हमारा थोड़ा डिस्कशन हो गया। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसके आंसर्स थोड़ा सोचें, लिखें, उसके बाद करें। अदरवाइज डायरेक्ट आंसर्स देखने से इतना बेनिफिट नहीं होगा। हो सकता है कि हिस्ट्री आप फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो और आपने मे बी रिसेंटली कुछ पढ़ा हो, लेकिन मैं स्टिल चाहता हूं कि आप कोई ना कोई हिंट तो जरूर मारे। कोई इशू नहीं है कि आपका आंसर गलत हो रहा है तो, लेकिन हिंट आप फिर भी करें। मैं आपके साथ साथ याद दिलाना चाहूंगा कि काफी मैप्स में मैं रिपीट भी करूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। रिपीटेशन भी रहेगा और शायद रिपीट एक दो हो भी रहे होंगे इसमें। तो इसलिए ये है कि आपको सॉल्यूशंस आने चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ तो आपका स्कोर होना चाहिए। जीरो से बेटर तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी आंसर सही होता है, लेट से आपने बता दिया टेंथ ये है, कुछ भी एक्स वाई जेड बता दिया आपने, राइट, और वही निकला, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा, राइट। ये एक पॉजिटिव है। सेकेंड पॉजिटिव ये है कि अगर आपने लेट से कुछ गलत बताया तो आपको याद रहेगा कि मैंने ये गलत बताया था, ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो यही पॉजिटिव्स होते हैं जो आपको मेमोराइज करने में हेल्प करते हैं। अदरवाइज हिस्ट्री ऑप्शन मैप्स आपको तो लगेगा कि मेरे सर पे चढ़ गई ये चीज। ये काफी लोग जो है अपना हिस्ट्री ऑप्शनली चेंज कर देते हैं जस्ट बिकॉज उनसे हिस्ट्री ऑप्शन मैप अटेम्प्ट ही नहीं होता, वो शुरू में ही उससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो ये वाले पॉइंट्स को आप मानिए मेरे, उससे आपकी काफी हेल्प रहेगी। कुछ ना कुछ पॉइंटर्स आपको मैं बताता रहूंगा कि किस लोकेशन के कैसे हैं। सबसे पहली लोकेशन है पैलियोलिथिक लोकेशन है। ये देखिए बड़ी कॉमन लोकेशन है, इस जगह पे पैलियोलिथिक आपको ज्यादा नहीं दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से ये कंपेरेटिवली इजी है और सिंपलर भी है, ज्यादा टफ नहीं है और इंपॉर्टेंट भी है, राइट, इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज्यादा। सेकेंड न्योलिथिक है, तो यहाँ पर आप देखिए न्योलिथिक कौन सी हो सकती है, तो इसके बारे में थोड़ा सोचिए। अगर इसका आंसर आपको नहीं आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये जो है ना ये ज्यादा कॉमन नहीं है, थोड़ा टफ है और मे बी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, टफ है इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड जो है चैल्कोलिथिक है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सोच सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये यूनिक है और इंपॉर्टेंट है। याद रखिए दिल्ली है या आसपास, ठीक है, आसपास दिल्ली है, उससे थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करिए। फोर्थ एजुकेशनल सेंटर है, मेरा तो मानना है एजुकेशनल सेंटर्स आपको सारे के सारे आने चाहिए। एजुकेशनल सेंटर्स में मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, कुछ ही लिमिटेड एजुकेशनल सेंटर्स हैं, आपको सारे आने चाहिए। और ये तो जो एजुकेशनल सेंटर यहाँ पर दे रखे हैं तो वन ऑफ दी मोस्ट कॉमन एजुकेशनल सेंटर है। अगर अभी भी आपको ये नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ये जैन साइट भी एक, ये एक इंपॉर्टेंट जैन साइट भी है। अगर अभी भी नहीं आ रहा आपको तो थोड़ा सोचिए, मैं एक और हिंट देने वाला हूँ। यहाँ पे सेकेंड जैन काउंसिल हुई थी, ठीक है, यहाँ पर सेकेंड जैन काउंसिल हुई थी, अब तो शायद आपको थोड़ा ये आ जाना चाहिए। फिफ्थ देखते हैं कल्चरल सेंटर देखते हैं, ये है कल्चरल सेंटर, तो सोचिए इसके बारे में। कल्चरल सेंटर क्या होता है, देखिए कल्चर से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आर्ट भी हो सकती है कोई, पेंटिंग भी हो सकती है कोई, डांस भी हो सकता है कोई पॉपुलर, यहाँ पे कोई आर्किटेक्चर भी हो सकता है। सबसे ज्यादा कॉमन जो होता है ना वो आर्किटेक्चर होता है, सबसे ज्यादा कॉमन क्या होता है, आर्किटेक्चर होता है। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए, थोड़ा कल्चरल में थोड़ा सोचिए इसमें कि इस जगह पर क्या हो सकता है। महाराष्ट्र में ये जगह है, राइट, यहाँ पर मुंबई है, इससे थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, थोड़ा सोचिए। अगर आप तुक्का भी मारेंगे तो भी मेरे हिसाब से ये सही हो जाएगा। सिक्स एंड सेवन एंशियंट कैपिटल्स हैं, सिक्स ये रही, सेवन्थ ये रहा, ये एंशियंट कैपिटल्स हैं, तो थोड़ा सोचिए। एंशियंट कैपिटल्स मेरे हिसाब से वन ऑफ द टफेस्ट होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा है एंशियंट कैपिटल्स है, कंफ्यूज हो जाता है इंसान। एनीवेज आप मेरे मैप जैसे जैसे देखते जाएंगे आपको ये इजी लगेगा। एट्थ देखते हैं एंशियंट सिटी, ये है एंशियंट सिटी, थोड़ा टफ है ये, थोड़ा टफ है, लेकिन एक बार आपको याद हो गया तो हमेशा याद रहेगा, एंशियंट सिटी है यहाँ पर और थोड़ा टफ है मेरे हिसाब से। तो इंस्क्रिप्शन साइट देखते हैं, यहाँ पर इंस्क्रिप्शन साइट है, ये यूपीएससी ने भी पूछी इस साल, तो ये इंस्क्रिप्शन साइट है, उड़ीसा में है,
इंस्क्रिप्शन साइट है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। और मैं आपको थोड़ी और अगर हिंट दूं तो ये अशोका साइट नहीं है, ठीक है, अशोका साइट नहीं है, इंस्क्रिप्शन साइट है। अब आई होप आप ये कर पाएंगे, ठीक है, जिन्होंने थोड़ा देखा है वो ये कर पाएंगे। टेंथ न्योलिथिक है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर न्योलिथिक साइट है ना जेएनके में, जम्मू एंड कश्मीर में, वही है ये, ठीक है। आसपास श्रीनगर भी है, आसपास यही कहीं श्रीनगर है, यहाँ होगा श्रीनगर, ठीक है, यहाँ पर श्रीनगर है, राइट, दिस इज इंडिया। और थोड़ा आप देखेंगे तो एल ओ सी वगैरह भी जाती भी दिखेंगी, मतलब पीओके भी जो हम कहते हैं ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो थोड़ा सा ऐसे करके आता है अगर आप मैप वगैरह देखें। एनीवेज उसमें नहीं जाते हम, मैं बस ये आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कि मैप में आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल्स ध्यान रखनी होंगी, उससे आपकी हेल्प मिलती रहेगी। तो चलिए हम आंसर्स देखते हैं, या आप वीडियो पॉज कर लें और जो मैंने आपको बताया आंसर्स ट्राई करिए देने की, मैं हिंट भी दे रहा हूँ काफी। अगर अगर आप आंसर्स नहीं दे पाए तो एक बार बुक सर्च करके आंसर लिख दें, लेकिन आंसर जरूर ट्राई करें खुद से, वो काफी हेल्पफुल होगा, मेरे बात को यकीन करिए, वही आपको अबव 15 से ज्यादा साइट सही करवाएगा। तो चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले तो है कल्पी, है ये है कल्पी, देखिए दो साइट्स हैं, एक है कलसी और एक है कल्पी, लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। कलसी तो देखिए देहरादून में है और ये अशोकन साइट है, ठीक है, यहाँ कहीं आपको दिख जाएगी, ठीक है, वो जब आएगा तब मैं दिखाऊंगा एग्जैक्टली लोकेशन, इधर कहीं आसपास है, ठीक है, देहरादून की कलसी है वो, राइट। अभी इसका जो सॉल्यूशन है वो कल्पी है, तो देखिए पैलियोलिथिक साइट जो है वो कल्पी है और कलसी जो है वो अशोकन इंस्क्रिप्शन साइट है, ये है उत्तराखंड में, ये है यूपी में। यूपी में कहां पर है, यूपी में है, ये यूपी में जलायू डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, यूपी में जलायू डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा घबराना मत, धीरे धीरे सारे डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, और जो टफ साइट है उसके डिस्ट्रिक्ट याद करने नहीं है। सेकेंड देखते हैं न्योलिथिक साइट, कंपेरेटिवली टफ थी, मैंने आप जैसे आपको बता दिया था, बरूदी है, खुंती डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड स्टेट में, ये लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है बरूदी। जब पहले 2011 से पहले क्वेश्चन आते थे तो बरूदी काफी बार पूछता था यूपीएससी, उसके बाद से आई थिंक पूछा नहीं है। थर्ड जैसे मैंने आपको बताया था काफी कॉमन है और काफी लोग इसमें शायद आहार और गिलुंद मार्क कर रहे होंगे, आहार गिलुंद थोड़ा नीचे यहाँ कहीं होगा, लेकिन ये जो है गणेश्वर है। तो जब मैं आहार और गिलुंद बताऊंगा ना तब आप देख लेना कि गणेश्वर कहाँ पर है, तो आहार गिलुंद और गणेश्वर में कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। और ये तो सिकार डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में, ये आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मीडियम लेवल मान सकते हैं, दिस इज मीडियम इंपॉर्टेंस वाइज में। फोर्थ देखते हैं एजुकेशनल सेंटर, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वल्लभी, बहुत बार यूपीएससी पूछता है इसका, सब याद रखिए आप, सौराष्ट्र पेनिनसुला गुजरात में है, नियर भावनगर इन वेस्टर्न इंडिया, ऐसे आप याद कर लीजिए, ये मत लिख के आना, वेस्टर्न इंडिया में लिखने मत आना, ये भी छोड़ सकते हो आप, लिख देना सौराष्ट्र पेनिनसुला में है, गुजरात में। ये थी कैपिटल किसकी थी, मैत्रक डायनेस्टी की कैपिटल थी। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि काफी बार ना सेम साइट को लिख देते हैं एंशंट कैपिटल, लोग बोलते हैं यार यहाँ पर कौन सी एंशंट कैपिटल है, तो एंशंट कैपिटल कौन सी है, वो एंशंट कैपिटल है मैत्रक डायनेस्टी की कैपिटल, और वो है वल्लभी, राइट। फिफ्थ पे आ जाते हैं कल्चरल सेंटर पे, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज थी, एक तो अजंता एलोरा, तो दोनों पास पास है, लेकिन ये जो लाइन है ना इसके थोड़ा अभी अगर सीधी लाइन खींचिए इससे थोड़ा लेफ्ट में, अगर दिख रहा है ना थोड़ा सा भी लेफ्ट में या इस पी लाइन पे, तो वो एलोरा होगा, और लाइन के अगर राइट में दिख रहा है तो अजंता होगा, ठीक है, ऐसे याद हो गया ये। अब देखते हैं एलोरा कहाँ पर है, एलोरा है औरंगाबाद में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही अजंता है, लेकिन थोड़ा दूर दूर है, अगर किसी ने विजिट करी हो तो वो तो उसे समझ में आ गया होगा कि थोड़ा दूर दूर है, समझ सकते हैं ना आपकी एक डिस्ट्रिक्ट जो होता है, आई होप आप सबको अपना डिस्ट्रिक्ट पता होगा, जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तभी हमें काफी बार ये चीजें हमें दिखती हैं, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट आप समझ सकते हैं कि काफी बड़ा होता है, राइट, हमारा डिस्ट्रिक्ट काफी बड़ा होता है, काफी किलोमीटर्स में एक्सटेंडेड होता है, तो कुछ कुछ मैप में आपको साइट्स पास पास भी दिख सकती हैं और कुछ कुछ दूर भी दिख सकती हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिक्स्थ और सिक्स के बाद जो साइट्स थी, तो सिक्स्थ देखते हैं, ये यूपीएससी ने 2018 में पूछा था, 2018 में यानी साइट पूछी थी, ये है हम्पी, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के अंदर। हम्पी किसकी कैपिटल थी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है, सबको आना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन में लिखो, लेकिन एक्सप्लेनेशन से आई थिंक
ये मैं लिख ही रहा हूँ यहाँ पर, एनीवेज मैंने कट कर दिया। तो एक्सप्लेनेशन से एक इशू क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन से एक इशू ये हो जाएगा कि आप थोड़ा ना सर्च नहीं करेंगे, थोड़ा अपना दिमाग यूज कम करेंगे, तो उससे क्या होगा कि ना मे बी याद करने में इशू हो। अदरवाइज मैं लिख तो सकता हूँ, मैंने वैसे लिख ही दिया था, तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, विजयनगर की कैपिटल है। तो ये सब चीजें ना आप अगर लिखें तो मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि मैं ही लिखूं। अगर आपको स्टिल लग रहा है कि मैं ही ये चीज प्रोवाइड करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मैं वो भी प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा, कोई ऐसा इशू की बात नहीं है। दिस इज द कैपिटल ऑफ विजयनगर। लेकिन अगर देखिए कोई टफ है ना, तो मैं वो खुद ही बता दूंगा। लेकिन जैसे हम्पी है, हम्पी तो बहुत ही आसान है, ये सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन से टेम्पल है। तो अगर ये हम्पी साइट आती है, तो आपको क्या लिख के आना है कि हम्पी बेलरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है, विजयनगर की कैपिटल है, फिर टेम्पल्स के नाम लिखिए, फिर क्वीन पैलेस भी है यहाँ पे अगर आपको पता होगा, तो वो सब चीजें करके आपके 30 वर्ड्स हो जाते हैं। ज्यादा लिखने की वैसे ही जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता हो जाता है। थोड़े से वर्ड्स लिखिए, आई एम श्योर कि वो आपको 2.5 मार्क्स दे देगा। ठीक है, सेवेंथ देखते हैं कि क्या है, किसकी कैपिटल है। सेवेंथ चंद्रावती है, चंद्रावती है राइट, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी। और एट तो देखते हैं एंशियंट सिटी कौन सा है, एट है गौर, इसके और भी नाम है जैसे लखनौती, ठीक है, मालदा डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट बंगाल में, तो ये गौर है, लेकिन लखनौती भी आप लिख सकते हैं। देखिए लखनौती इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ लिखा है एंशियंट कैपिटल, सॉरी एंशियंट सिटी, यहाँ लिखा है एंशियंट सिटी, लेकिन लखनौती उसका नाम ना मेडिवल टाइम में हुआ था, तो आप अगर जब पढ़े तो आप ध्यान देना, एंशियंट मेडिवल जब आप पढ़ रहे हो ना, स्विच जब हो रहा हो, तो आप देख सकते हैं कि लखनौती जो नाम हुआ था वो मेडिवल टाइम में हुआ था, उससे पहले इसका नाम गौर था, तो इसलिए गौर जो है वो बेटर नेम होगा। ऐसे ही पटना नाम लिख के नहीं आते लोग, उसका नाम लिख के आते हैं पाटलिपुत्र, राइट, पाटलिपुत्र नाम लिख के आते हैं, पटना तो कोई नहीं लिखता नाम। ऐसे ही नाम जो है जो ज्यादा रिलेवेंट नाम हो वही वही आप लिखना, जैसे राम सेतु, यहाँ पर राम सेतु है लेकिन उसको लोग रामेश्वरम लिखते हैं, तो वो नाम को थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। यूपीएससी का आपको पता ही है कि एक स्टैंडर्ड है, सर्टेन स्टैंडर्ड है, तो उस स्टैंडर्ड में लोग फॉलो भी करते हैं, अगर उससे हम नीचे गिरे तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। नाइन्थ देखते हैं, नाइन्थ है उदयगिरी, दिस इज उदयगिरी, यहाँ पर हाथी खुम्पा इंस्क्रिप्शन है, हाथी खुम्पा इंस्क्रिप्शन किसकी है ये कमेंट सेक्शन में आप लिखें, ये इंस्क्रिप्शन है हाथी खुम्पा इंस्क्रिप्शन है, उदयगिरी हिल्स में है भुवनेश्वर में, इसी के पास ही अशोकन इंस्क्रिप्शन भी है, ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शन भी इसके पास ही है, तो लेकिन इसका मैंने आपको बता दिया कि इंस्क्रिप्शन लिखा है तो उदयगिरी होगी, मे बी आप अशोकन इंस्क्रिप्शन लिखे, देखिए अगर अशोकन इंस्क्रिप्शन पूछी होती है ना कभी, तो ज्यादातर जो मैंने नोटिस करा है वो लिख देता है यूपीएससी की ये अशोकन इंस्क्रिप्शन है, यूपीएससी लिख देता है, और अशोकन इंस्क्रिप्शन जो यहाँ पर है वो थोड़ी नीचे है, एक और ये वाला भी पॉइंट है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप बता पाएंगे कि ये वाली कौन सी है और ये वाली इंस्क्रिप्शन कौन सी है, ये अगर मैं ए लिखूं ये बी लिखूं तो ये कौन सी है, कमेंट सेक्शन में लिखें, थोड़ा अगर कोई बात नहीं इसे सर्च करके आप लिख लें कि ए कौन सी इंस्क्रिप्शन है बी कौन सी इंस्क्रिप्शन है, अशोकन इंस्क्रिप्शन है दोनों, ठीक है, एक पुरी डिस्ट्रिक्ट में है गंजम डिस्ट्रिक्ट में, मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है, एक पुरी डिस्ट्रिक्ट में है गंजम डिस्ट्रिक्ट में, तो आप ट्राई करिए कि ए कौन सी है और बी कौन सी है, बहुत बार यूपीएससी पूछता है, अदरवाइज अगर अभी नहीं हो पा रहा तो आगे चल के हम मैथ में कवर करेंगे ही ए और बी को, अगर आप सही आंसर लिखेंगे तो मैं उसे लाइक कर दूंगा, तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा आपका आंसर सही है। टेंथ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये तो पता नहीं क्या हुआ यूपीएससी को, 2018 में भी पूछा 2019 में भी पूछा, सेम साइट, और उससे पहले भी बहुत बार पूछ चुका है, और ये सबको पता होना चाहिए, ये है बुरजाहोम, बुरजाहोम है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के पास है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे आपको बहुत सारे पिट ड्वेलिंग वगैरह दिखेगा, मतलब गड्ढे खोदते थे, ये होती थी जमीन, यहाँ पे गड्ढे खोदते थे और यहाँ पर रहते थे, क्यों रहते थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती थी, उसके बाद डॉग्स भी मिले हैं एंड यहाँ पर डॉग्स भी मिले हैं इन बरियल्स, और भी ये सब आपको चीजें यहाँ पर दिखेंगी, तो ये हो गया अबाउट दी बुरजाहोम। अब फ्रेंड्स आप लिखें कि आपको कमेंट सेक्शन में ये मैप कैसा लगा, और आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको ये मैप कैसा लगा। So that's all from my side. Thank you for watching the lecture and have a good day.